नमस्कार दोस्तों, क्या हुआ जब अयोध्या में हुआ सात सात पुष्पक विमान का आगमन। जब ये दृश्य वहाँ काम करते हुए मजदूरों ने देखे तब उसके पैरों नीचे जमीन खिसक गई। कुछ लोगों ने तो अपने आंखों से दृश्य देखा है। हम भी आपको इस वीडियो के माध्यम से वो दृश्य दिखाएंगे और समग्र घटना कैसे हुई, कहाँ हुई, उसकी माहिती आपेंगे। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सच्चे सनातनी हो, श्री राम को आप आराधनीय मानते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूले और कॉमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों, 22 जनवरी को श्री राम लला अयोध्या में विराजमान होगी, इसीलिए सभी तैयारी जोर से हो रही है। उसमें कई सेवकों, स्त्रियों और बच्चों का योगदान रहा है। सभी ने मंदिर तो बनाने में भव्य तैयारी की है, स्वागत किया है श्री राम लला का। उसी बीच 10 जनवरी को जब वहाँ पे राम मंदिर के निर्माण के लिए मजदूर वहाँ काम कर रहे थे, काम करते करते रात होगी, बाद में रात्रि में सभी मजदूर अपने तंबू में जाके सो रहे थे, तभी सुरेश नाम के मजदूर को श्री राम नाम की ध्वनि सुनाई दी। उसने तभी अपने आजू बाजू के लोगों को उठाने की भी कोशिश की, मगर सभी मजदूर थकावट के कारण गहरी नींद में थे। बाद में सुरेश अपने तंबू से बाहर निकलकर मंदिर की तरफ आगे बढ़ा। जैसे ही वह राम मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहा था, तब उसको पीली चमकती हुई चीज दिखाई दी। ये चीज इतनी चमक रही थी कि नरी आंख से देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जब हिम्मत कर सुरेश राम मंदिर के परिसर तक पहुंचा, तब उसने देखा चमकती हुई चीज मोर की भांति पुष्पक विमान जैसी चीज अपने आंखों से देख रहा था। ये चीज इतनी प्रकाशमय थी कि उसको देखना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, मगर दिखने में वो थोड़ी बड़ी और जैसे मोर की भांति दिख रही थी। लग रहा था कि पुष्पक विमान जैसा कुछ है, और इतना ही नहीं, उस पुष्पक विमान के ऊपर उसको संचालित करने वाला कोई था, मगर ये चीज इतनी चमक रही थी कि वो कौन था वो दिखाई नहीं दे रहा था सही में, कि उसको आंखों से देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जो दिखने में एकदम सुंदर और काफी बड़ा लग रहा था, जो राम मंदिर के पिछले पश्चिम क्षेत्र में उतर रहा था, ऐसा भी लग रहा था कि उसके ऊपर कोई नियंत्रण कर रहा है, मगर तेज इतना ज्यादा था कि कौन है वो कुछ दिखाई नहीं दिया सूरज को। उसको संचालित कौन कर रहा था वो तो वो देख नहीं पा रहा था, मगर ऐसा लग रहा था कि स्वयं श्री राम भगवान पुष्पक विमान पे बैठकर स्वयं अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। सूरज ने समग्र घटना अपने आंखों से देखी, लेकिन कुछ समय के बाद वो वहाँ ही बेहोश हो गया, क्योंकि उसकी आंखों उतना ज्यादा तेज सहन नहीं कर पाई। दूसरी सुबह जब सुरेश ने अपनी आंखों खोली, तब वो वही जगह पे बेहोश पड़ा हुआ था, और तुरंत ही वो अपने तंबू की तरफ दौड़ा और सबको बताने की कोशिश की कि मैंने कल पुष्पक विमान में श्री राम को देखा, मगर सभी लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। मगर सुरेश ने अपने आप मनोमन नक्की कर लिया था कि श्री राम भगवान स्वयं कल पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या में आए हैं। लेकिन जो सुरेश ने देखा, मोर के जैसा हवा में उड़ने वाला और प्रकाशमय चीज अयोध्या के राम मंदिर के पश्चिमी इलाके में जो आ रहा था, वो वैसे ही लग रहा था कि पुष्पक विमान है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि भी करेंगे आगे, इसीलिए हमने रामायण के ग्रंथों को खोला, और वैसे ही जैसा ही सूरज का कहना है वैसा ही हुबहू लिखा हुआ है रामायण में पुष्पक विमान के बारे में। यानी कि सूरज ने जो भी देखा वो एक पुष्पक विमान ही था। हालांकि वो पुष्टि नहीं कर रहा है कि पुष्पक विमान के ऊपर कौन बैठा हुआ था, क्योंकि वो बहुत चमकदार चीज थी। अगर आपको श्री राम पे विश्वास है तो ये बात सच भी हो सकती है, क्योंकि अयोध्या में कई प्रकार की घटना अभी बन रही है। उसमें से कई घटनाओं का पुराण भी मिला है, कई प्रकार की घटनाओं का साइंटिफिक प्रूफ भी मिला है। ये विश्वास है हमारे श्री राम पर कि श्री राम अयोध्या में आ गए हैं, और ये बात सच में सही इशारा कर रही है। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।